नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बात पते की को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। अच्छे कमेंट और बुरे कमेंट दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा, बात पते की चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे दर्शकों के एक सवाल के लिए बनाया गया है। बहुत दिनों से कई दर्शकों का एक सवाल आ रहा था कि नवजात शिशु को जन्म घुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो कब देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। तो आज इसी जानकारी के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ। जी हाँ, मेरा जवाब है बिल्कुल देनी चाहिए। जन्म घुट्टी एक पारंपरिक जो है हमारा, जो छोटे बच्चे नवजात शिशु हैं उनका जो भी हम देखभाल कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो जन्म घुट्टी का भी रहता है। पिछले चार पीढ़ियों से मैं देखती आ रही हूँ, हमारी दादी, हमारी माँ, हम खुद और आज की भी जो जनरेशन है, हम लोग बिल्कुल उनको सजेस्ट करते हैं कि जैसे बच्चे का रोज का नहाना, बच्चे का माँ का दूध अनिवार्य है, बच्चे का रखरखाव, बच्चे की साफ सफाई जैसे जरूरी है, उसी तरह से जन्म घुट्टी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जन्म घुट्टी में बहुत सारे औषधि तत्व होते हैं जो कि बच्चे का जो पाचन क्रिया है, बच्चे का जो पाचन तंत्र है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। अगर बच्चा जो है, कभी कभी आप देख रहे हैं बच्चे को गैस बन जाती है, कभी कभी बच्चा दस्त कर रहा है, कभी कभी बच्चे का पेट बहुत टाइट हो गया है और ठीक से उसका पेट साफ नहीं हो रहा, तो इस ये जो जितनी भी दिक्कतें हैं, ये अगर आप नियमित रूप से जन्म घुट्टी बच्चे को दे रहे हैं तो नवजात शिशु को कभी भी ये परेशानी जो है कभी भी नहीं आएगी। अब कैसे देनी है और कितनी जन्म घुट्टी हमको बच्चे को देनी है, तो जो एक नियमित रूप से जो आप रोजमर्रा अगर आप जन्म घुट्टी उसको दे रहे हैं तो दिन में आप एक बार माँ के दूध के साथ बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है तो सामान्य तौर पर आप रोज 2 से 4 बूंद जो है माँ के दूध के साथ जन्म घुट्टी बच्चे को दीजिए। अगर बच्चे का पेट बहुत टाइट है या आपको लगा है कि बच्चे ने 1 दिन 2 दिन पॉटी नहीं की है और पेट बच्चे का साफ नहीं हुआ है, तो आप रात को थोड़े से गुनगुने पानी के साथ उसको 2 से 4 बूंद जन्म घुट्टी जो है रात को दे सकते हैं, और एक दो चम्मच जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी भी उसके साथ आप बच्चे को दे सकते हैं। ये जो भ्रांति है कि 6 महीने तक बच्चे को बिल्कुल पानी नहीं देना है, इस बात को भी मैं हमेशा डिनाई करती हूँ। नवजात शिशु हो, छोटा बच्चा हो, आप उसको 2 से 4 चम्मच दिन में पानी जरूर दे सकते हैं। दूसरा जो है, एक और इसी का सपोर्टिव है, ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर के लिए भी कई लोगों ने पूछा था मुझसे, तो ग्राइप वाटर भी आप दे सकते हैं। वो एक साधारणतया सौंफ का पानी जैसा ही होता है। सर्दियों में हम लोग उसको मना करते हैं कि हाँ, सर्दियों में आप ग्राइप वाटर ना दीजिए क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है, सौंफ की जो तासीर है थोड़ी ठंडी होती है। लेकिन हाँ, गर्मियों में दिन के टाइम आप जरूर 1 चम्मच ग्राइप वाटर बच्चे को दें, जिससे कि बच्चे का हाजमा जो है वो बहुत अच्छा रहता है और बच्चे की पेट ठीक है तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये बहुत सामान्य सी बात है। तो गर्मियों में ग्राइप वाटर बहुत जरूरी है, सर्दियों में आप घुट्टी बच्चे को दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे के लालन पालन में आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों के सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।